जय हिंद इंडिया। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कि एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात करेंगे बेसिकली आज इसरो ने जो कैलकुलेटर लॉन्च किया है, सोलर कैलकुलेटर ऐप लॉन्च किया है जो कि सोलर एनर्जी को कैलकुलेट करने का काम करेगा, उस ऐप के बारे में हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका मतलब क्या है, क्या कौन सा ऐप है और इसका काम क्या है। बेसिकली ये ऐप लॉन्च किया गया है किसके थ्रू, इसरो के थ्रू। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की स्पेस एजेंसी है जो स्पेस से रिलेटेड काम करती है, ठीक है ना। इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऐप डेवलप किया है, उस ऐप का काम ये रहेगा कि कोई भी लोकेशंस में सनलाइट कितनी है और उस सनलाइट का कितना यूटिलाइजेशन किया जा सकता है, उसका कितना कैपेसिटी है, वो सब चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए एक ऐप बनाया गया है, ठीक है। उस ऐप से हम क्या, उसका फ़ायदा ये हो जाएगा कि फ्यूचर में अगर हम सोलर पावर प्लांट या कोई सोलर पावर प्रोड्यूसिंग फॉर्म्स स्टेबलाइज करते हैं तो हमें वो डाटा मिल जाएगा उस ऐप के थ्रू, तो हम सोलर प्रोजेक्ट ज़्यादा बेहतर तरीके से स्टेबलाइज कर सकेंगे। बेसिकली सोलर एनर्जी के बारे में ज़्यादा बात क्यों की जा रही है, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा COP26 की मीटिंग हुई है। 26 की मीटिंग में बेसिकली ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज रखी जाती है किस चीज़ से, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए। तो उसमें बेसिकली ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड बात की गई थी। ग्रीन एनर्जी जनरेट करने के लिए हम सनलाइट का या हाइड्रो पावर या फिर हम और ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शन है, विंड एनर्जी, इनका यूज़ करते हैं। बेसिकली हम इसका यूज़ करके हम क्या करते हैं, ग्रीन एनर्जी का यूज़ करेंगे तो क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल किया जा सकता है। तो सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया गया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया गया था। साथ ही साथ अभी क्या है, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया है, इसरो सोलर ऐप के बारे में, ठीक है। उसी पर्टिकुलर ऐप के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। आपको स्क्रीन में दिख रहा हो क्या लिखा है, द इसरो इज गोइंग टू प्रोवाइड अ सोलर कैलकुलेटर एप्लीकेशन टू द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड को एक कैलकुलेटर प्रोवाइड कराया जाएगा, उस ऐप के थ्रू कैलकुलेट किया जा सकता है सोलर एनर्जी से रिलेटेड सारी बातें, ओके। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है COP26 की मीटिंग में, अभी जस्ट ही क्या डिक्लेयर किया है कि इसरो ने डेवलप किया है वर्ल्ड के लिए सोलर पावर कैलकुलेटर। इस कैलकुलेटर का यूज़ मैंने आपको बता दिया, इससे बेसिकली होगा ये कि सैटेलाइट्स के थ्रू सारे डाटा कलेक्ट किए जाएंगे और वो डाटा पूरे प्लैनेट के कहीं भी जगह के किसी भी जगह का कलेक्ट किया जा सकता है और उसके सोलर एनर्जी पोटेंशियल से रिलेटेड बात बताएगा हर पूरी लोकेशंस के, पूरे प्लैनेट में किसी भी रीजन की अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसका यूज़ करके पता कर सकते हैं। नाउ आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है COP25 की मीटिंग जो हुई थी वो कहाँ, कौन सी कंट्री में हुई थी, बेसिकली इंडिया में हुई थी, स्पेन में हुई थी, इटली में हुई थी, उसका आंसर आपको वीडियो पॉज करके देना है, इसका आंसर आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा, ठीक है। स्क्रीन में आप देख रहे होंगे इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के सिवन, इन्होंने इसके बारे में क्या बताया, उन्होंने ये बताया है कि इसका डेमोन्स्ट्रेशन हो चुका है, इस टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन हो चुका है जिसके बारे में हम बात करें, जिस ऐप के बारे में बात कर रहे हैं। इसका काम यही होगा कि अर्थ के सारी ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के थ्रू ऑब्जर्व की जाएंगी, डाटा कलेक्ट किया जाएगा और यूजर्स को प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली इसरो की ऑफिशियल साइट से लिया हुआ डाटा है। ये जो ऐप बनाया गया है किससे बनाया गया है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है वहाँ के थ्रू बनाया गया है अहमदाबाद में, ठीक है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के थ्रू बनाया गया है, ये एक एंड्रॉयड ऐप है, कंप्यूटिंग ऑफ सोलर एनर्जी पोटेंशियल उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए बनाया गया है। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि हमें मंथली और ईयरली ये क्या पूरा सोलर पोटेंशियल्स का हमें अपडेट देगा, मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर के बारे में हमें बताएगा और सारी लोकेशंस के बारे में हमें बताएगा GPS के थ्रू, ओके। और हमें पूरे एंगल्स के बारे में बताएगा, कोई एंगुलेशन है उससे रिलेटेड सारी अपडेट हमें इस ऐप के थ्रू मिल जाएगी। इसके कुछ मेजर फीचर्स हैं, मेजर फीचर्स क्या हैं, मेजर फीचर्स ये है कि हमें प्रोवाइड कराएगा सोलर पोटेंशियल से रिलेटेड सारी अपडेट, ओके, लोकेशंस के साथ। दूसरी चीज़, अगर हम GPS ऑन कर रखेंगे सारी चीज़ें हमें उस लोकेशंस के अकॉर्डिंग मिल जाएंगी। तीसरा, इसमें तीन सैटेलाइट्स की बात की गई है जिन सैटेलाइट्स का यूज़ किया जाएगा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स डाटा, जिसमें नाम है कल्पना 1, इनसैट 3D, इनसैट 3DR, ओके। इन सैटेलाइट्स का नाम भी आप याद रखना क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया अगर किस सैटेलाइट्स के बारे में बात की गई थी तो वो नाम आपको याद होना चाहिए, ओके। और ये मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर्स को कैलकुलेट करके भी हमें बताएगा, ओके, ये पोटेंशियल बताएगा कि सोलर एनर्जी कितनी जनरेट की जा सकती है उस पर्टिकुलर लोकेशंस की, ओके। और इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, आप देख रहे होंगे स्क्रीन में, ये सैटेलाइट्स के डाटा फोटो के साथ, बैकग्राउंड के साथ, इमेज के साथ हमें दिखाएगा, ओके। और ये प्रोवाइड कराएगा पूरा एंगल्स, जितने एंगुलेशंस हैं उस पर्टिकुलर लोकेशंस में, पूरे ईयर का डाटा कलेक्ट करके दिखा सकता है हमको। इसको हम कोई भी डाटा है उसको PDF फॉर्म में सेव कर सकते हैं उस ऐप के थ्रू। इस ऐप में अगर हमें यूज़ करना है उसको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, तो इंटरनेट होना बहुत ही ज़रूरी होता है। और ये फोटोवोल्टिक सेल्स के बारे में बात कर रहा है जो ऑप्टिमम
एंगल से फोटोवोल्टिक सेल का इंस्टॉलेशंस के लिए, वो सब चीज़ें हमको बताएगा। और कोई डिफिकल्ट टेरेन है जहाँ पे पहुँचना मुश्किल है या वहाँ पे सनलाइट की और कुछ इश्यूज हैं, उनको हैंडल या टैकल करने में भी हमें गाइड करेगा। बेसिकली कंप्यूटिंग ऑफ सोलर एनर्जी पोटेंशियल्स के लिए बनाया गया है, ठीक है। ये वर्ड्स आप याद रखें, कंप्यूटिंग ऑफ सोलर एनर्जी पोटेंशियल्स के लिए ही बनाया गया था, ठीक है, बनाया गया है। ना हमने अभी इसरो के बारे में बात किया है, तो इसरो के बारे में भी थोड़ी देख लेते हैं। बेसिक अवेयरनेस हमें होनी चाहिए। तो इसरो का मतलब क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है, ओके। ये एक स्पेस एजेंसी है इंडिया की, जैसे आप नासा देखते हैं अमेरिका की, ऐसे ही इंडिया की अपनी स्पेस एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसका बेसिकली ओवरसीन किसके थ्रू किया जाता है, इसका प्राइम मिनिस्टर, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होंगे उनके थ्रू ओवरसीन किया जाता है। और इसके चेयरमैन होते हैं जो एग्जीक्यूटिव के थ्रू का रोल प्ले करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस मैनेज किसके द्वारा किया जाता है, इसरो के थ्रू किया जाता है। ना अभी प्रेजेंट में कौन है चेयरमैन, चेयरमैन अभी प्रेजेंट में है के सिवन, ओके। हेडक्वार्टर मैंने आपको बताया बेंगलुरु में है। इनको फॉर्म कब किया गया था, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को 15 अगस्त 1969 को इसको फॉर्म किया गया था। तो ये कुछ की वर्ड्स हैं जिसको आप याद रखना है, क्योंकि वन वर्ड्स आंसर में ऐसे एमसीक्यूज में आ सकते हैं ये क्वेश्चंस वन डे एग्जाम में। तो ये चीज़ें आपको जो बेसिक की पॉइंट्स होते हैं वो आपको याद रखना चाहिए, कौन चेयरमैन है, हेडक्वार्टर कहाँ है, कब बना था, ये सब चीज़ें बेसिक्स पता होना चाहिए, ओके। नाउ एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट आपके लिए ऐड किया मैंने, जो कि जरूरी है आपको पता होना चाहिए। इसरो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम, ऐसी एजेंसी है जिसने फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में कंफर्म किया था मून में वाटर के मॉलिक्यूल्स के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए और हमारे लिए तो प्राउड की बात है कि इंडियन स्पेस एजेंसी ने ये डिक्लेयर किया है कि मून में वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ओके। नाउ हम पहुंच गए हैं वीडियो के एंड में, जिसमें आपका क्वेश्चन था उसका आंसर आपको बता देता हूँ। COP25 की मीटिंग कौन सी कंट्री में हुई थी, इसकी मीटिंग हुई थी स्पेन में, स्पेन के मैड्रिड में, ओके। ये पता होना चाहिए क्योंकि COP26 की अभी जस्ट मीटिंग हुई है, तो COP26 की मीटिंग हुई है तो 25 की भी हमें पता होना चाहिए कहाँ पे हुई थी। एक दो आगे और एक दो पीछे की हमें पता होना चाहिए, इन फ्यूचर कहाँ पे होने वाली है वो सब चीज़ें हमें पता होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। COP26 की मीटिंग हुई है, अब COP27 की मीटिंग कहाँ होनी है पता करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, ठीक है। COP26 की कहाँ हुई है, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था ग्लासगो में। COP25, कॉप मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 25 की मीटिंग हुई थी मैड्रिड स्पेन में। तो वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है, उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, जय हिंद इंडिया।